दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। महू में बड़गोदा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कोदरिया में 10 अप्रैल को दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 45,000 रुपए नगद और सोने की चेन का टुकड़ा भी बरामद हुआ। दरअसल 10 अप्रैल को कोदरिया के मानस रजत विहार कॉलोनी में रहने वाली नीलू तनवानी के घर में 3 बदमाश आलू की चिप्स बेचने के बहाने घुस गए थे और लूट की घटना को अंजाम दिया था। मौके से आरोपी महिला की सोने की चेन और 80,000 रुपए केस लेकर भाग निकले थे। इस दौरान महिला आरोपियों से भी लड़ी थी। मंगलवार शाम 6 बजे मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण एसपी हिकिता वासल ने बताया कि घटना वाले दिन से ही पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में लगी थी। करीबन 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले और स्केच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। हरदा खाली से चिप्स के सैंपल लाए हैं, वह डॉक्टर साहब को दिखा देना। प्रथम दृष्टया पुलिस ने डॉक्टर साहब बोलने वाले वर्ड को फोकस किया। आरोपियों ने सबसे पहले आकर महिला को बोला था कि डॉक्टर साहब को आलू के चिप्स के सैंपल दिखाने हैं, क्योंकि महिला के पति को डॉक्टर साहब बोलने वाले लोग केवल उनके करीबी ही थे जो उनके आलू चिप्स के कारखानों पर काम करते थे। पुलिस ने चिप्स फैक्ट्री में काम करने वाले हरीश पिता किशोर जरिया को संदेह के घेरे में आने पर तकनीकी रूप से हरीश का परीक्षण किया गया, जिसमें यह सामने आया कि हरीश द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी अन्य साथियों को देकर घटनाक्रम को कारित करवाया गया है। हरीश को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में जब बारीकी से पूछताछ की गई एवं स्केच व फुटेज को दिखाया गया तो हरीश द्वारा उक्त घटना अपने साथियों कृष्ण पटेल पिता दिनेश पटेल निवासी न्यू गुराड़िया, अमन पिता दीपक रावत जाति भिलाला निवासी ग्राम सांतेर थाना किशनगंज प्रधुम सोलंकी पिता बलवीर सिंह सोलंकी राकेश गोडाले रवि तिवारी साइबर सेल महुआ संपूर्ण थाना बड़गोदा स्टाफ की अहम भूमिका रही। 2023 को एक घटना हुई थी कि एक घर में घुसकर 3 आरोपियों ने एक वृद्ध महिला जो कि 63 इयर्स ओल्ड की थी उस पे हमला भी किया था और उसके घर से 80,000 रुपए ले गए थे और उसके गले से चेन स्नैच की थी जो आधी उसके गले में रह गई और आधी ये लोग स्नैच करके ले गए थे। ये जो उन लोगों ने काम किया था सुबह के 9:30 बजे किया था और पूरे मोहल्ले के अंदर जाकर किया था। तो इसमें पुलिस ने बहुत ही गंभीरता से इस केस को पूरा हैंडल किया। पूरी टीम इसमें 10 तारीख से लेकर अभी तक लगी रही। इसमें 5-6 टीम्स का गठन किया गया और एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने साहब के साथ टीआई मानपुर और टीआई बरगोंदा कैलाश सोलंकी और इनकी पूरी टीम लगी रही और उन लोगों को इस मैटर का पूरा सॉल्व किया, जिसमें ये पता लगा कि फरियादिया के ही जो चिप्स की फैक्ट्री है उसमें एक काम करने वाला व्यक्ति हरीश, उसी ने बाकी 2 व्यक्तियों को इन्फॉर्मेशन दी इनके घर के बारे में और उन 2 लोगों ने आगे 3 लोगों को इसके बारे में बताया गया और इन लोगों ने ये जो लूट है ये घटित की। इसमें टोटल 6 आरोपी हैं जो 6 के 6 गिरफ्तार हो चुके हैं और 40,000 रुपये इसमें बरामद किए जा चुके हैं। आधी चेन जो ये लोग ले गए थे वो भी बरामद की गई है और जिस बाइक पे ये लोग आए थे पल्सर में वो भी पुलिस ने बरामद की।